टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। सो कैसे हो गाइस? मैं तो बढ़िया हूँ एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आवर आलेपी आलापूजा हाउसबोट स्टे फॉर अ होल डे। सो मैं तुमको बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ साइट सीइंग हुआ, क्या क्या किए, क्या क्या खाने में था। ऑल्सो इट वॉज आवर एनिवर्सरी डे, तो क्या क्या स्पेशल हुआ वो भी बताएंगे। कैसे बुक करना है, कहाँ से पकड़ना है ये हाउस बोट, टाइमिंग्स एंड एवरी लिटिल डिटेल्स लाइक मैं बोलती रही तू मेरे हर एक व्लॉग में। सो सब कुछ रहेगा, सो देखते रहो। आवर हाउस बोट नेम वॉज माई ट्रिप हाउस बोट, जो तुमने वीडियो के शुरू में देखा था, एंड वी बोर्डेड इट फ्रॉम कनीटा जेट्टी। सो पीपल लाइक अस वर फ्रॉम आउटसाइड विल नॉट बी नोइंग द जेट्टी, बट योर ड्राइवर विल बी श्योरली नोइंग इट बिकॉज मोस्टली पीपल आर बोर्डिंग ऑल देयर जेट्टीज, आई मीन सॉरी हाउस बोट्स फ्रॉम दिस लोकेशन ओनली। एंड लोकेशन, बुकिंग नंबर, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एज वेल एज कॉमेंट बॉक्स में है। एंड बिफोर आई स्टार्ट गिविंग यू टूर ऑफ दिस हाउस बोट एंड द डिटेल्स ऑफ वॉट वी डीड एंड वॉट यू कैन डू, let me quickly tell you some facts. So it takes now almost 5-6 hours if you are coming from Munnar or Thekkady. So try to leave early from your hotel, from wherever place you are staying in. And one more fact is that the check-in time is 12 PM and check-out is 9 AM. 12:30 तक पहुँच जाना because 1 बजे पक्का ये लोग हाउस बोट शुरू कर देते हैं इफ़ यू आर स्टेइंग द होल डे। एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस की थी कि एक कपल था हु एक्चुअली बोर्डेड इट जस्ट टिल लंच, तो तुम्हारे पास वो भी ऑप्शन है कि तुम लंच करके उसके बाद अराउंड 3-4 जेट्टी एक प्लेस में जाके हॉल्ट कर देते हो, तो तब तुम निकल भी सकते हो। ठीक है, द प्लेस वेयर आवर कैप्टन वॉज सिटिंग बिहाइंड दैट वॉज द सिटिंग एरिया, लाइक सोफा था, दो सोफा था, तो 5-7 पीपल कैन अकोमोडेट। दे गिव यू अ वेलकम ड्रिंक एज वेल, एंड आई प्रेफर्ड कि मैं ये विंडोज के पास बैठूँ बिकॉज इसके पास से वो नज़ारा दिखने को मिल रहा था ना, एंड दैट थ्रिल टू सी द वाटर सो पास वॉज सो ग्रेट, खुद ही एक बार देख लो। एंड नाउ कमिंग टू दिस फोटो, सो बेसिकली 4 रूम्स थे एंड एकदम एंड में किचन थी, एंड अभी चलते रूम टूर पे और उसके बाद लेके जाएंगे ऊपर। तो रूम काफ़ी अच्छा था, कोजी था, क्वीन साइज बेड, एसी भी रात को चालू हो जाता था, लाइटिंग एंड ऑल वाज सुपर, बाथरूम वाज नीट क्लीन, ड्रेसिंग टेबल भी थी, चार्जर्स भी थे, एंड द बेस्ट पार्ट वाज अगेन द व्यू फ्रॉम द विंडो passing through the local villages and water bodies and water bodies and coconut trees. Oh God, sukoon. And the dining hall ऊपर में जो था it was huge, 5-6 table तो थे, उसके साथ ऐसे sitting areas भी थी, इधर से भी बस पानी, हाउस बोट एंड कोकोनट वाटर। हाँ, आफ्टर अ वाइल यू मे फील बोर्ड, बट फोटो शूट कर लेना, वीडियो ले लेना जितना लेना है। एंड कमिंग टू द फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिला था। मैं लिख रही हूँ, देखूँ क्या क्या था मेनू में। एंड कैंडल लाइट डिनर, इट वॉज जस्ट कैंडल एंड द लाइट वॉज ऑफ फॉर फ्यू मिनट्स, दैट्स इट, और कुछ स्पेशल हुआ नहीं भाई। सो हम लोग थोड़े बोर हो गए थे अराउंड इवनिंग, क्योंकि कितना पानी देख लोगे, है ना, एंड हम लोगों का फुल नाइट बुक था, तो थोड़ा सा सोने के बाद हम लोग सोचे चलो थोड़ा सा लोकल टूर करते हैं। सो वी केम टू अलेपी बीच एंड the beach was really really beautiful, the sunset, we're really lucky to see that sunset. तो तुम हाउसबोट से निकल के लोकल ऑटो ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज आफ्टर 10:30 ओनली दे डोंट अलाउ एनी वन टू गो आउट, सो यू गॉट इनफ टाइम। ओके, दैट्स इट गाइज, दैट वॉज माई हाउस बोट एक्सपीरियंस, आई होप इट विल हेल्प यू प्लान योर्स।
प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और दबा देना बेल। और हाँ सुनो, थोड़ा इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना और एक पिंग करना ज़रूर, और केरला के बाकी वीडियोस भी देख लेना। टेक केयर, बाय।